अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल और मैं हूं मानी। आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। फैसला ही नहीं हो पा रहा है, टीम डिसाइड ही नहीं हो पा रही है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज लो कॉन्फिडेंस क्रिकेट बोर्ड जो अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए भेज रहा है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कंफ्यूज तरीन और अपनी इन हरकतों की वजह से कि आप बिल्कुल, पहले तो मेन डेडलाइन थी वो निकली, अब 25 तारीख की जो आप कह लें कि वो डेडलाइन है कि इसके बाद तो कोई चेंजेस नहीं हो सकती, उसका इंतजार किया जा रहा है। इतने कंफ्यूज हैं, एक मैच के लिए तरसे हुए थे। ये क्या सोच है, ये क्या ये बहाव रहा जो टीम से ट्रेवल कर रहे हैं। बाबर आजम साहब जो कप्तान है, सेकेंडरी सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, पूरी टीम, पहले हसन अली को बाहर किया। बहुत ज्यादा सवाल आज मेरे दिमाग में कि ये इतना लेट लेके जा रहे हैं, इतनी कंफ्यूजन, इतना लो कॉन्फिडेंस अपने आप पे। आप इतनी लो कॉन्फिडेंस है तो आप वर्ल्ड कप जीतने का कैसे सोच सकते हो, आप वर्ल्ड कप खेलने का कैसे सोच सकते हो। आज ये टॉपिक है, वैसे भाई आज इस पे डिस्कस करना है। ये क्या ब्लंडर है, ये तो बेइज्जती हो रही है। आज हम कहते हैं कि आज आ रहा है स्क्वाड, कल आ रहा है, करते करते अब ये स्क्वाड अनाउंस तो करना ही है ना, करना है कि नहीं करना। देखिए बिल्कुल अनाउंस करना है, अब इसमें निकालना क्या है, सोचो कि इसमें से कुछ निकाल। ये डिसीजन होना बहुत मुश्किल डिसीजन है, ये डिसीजन मुश्किल नहीं है। आपकी 15-16 जो पहले डिसाइड है, इसमें से कुछ भी नहीं आपने नया निकाल सकते, इसमें से कोई नहीं जोड़ सकते। एक दो प्लेयर की वजह से आपने डिसीजन पेंडिंग कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अब आपकी जो बातें जाएंगी कि आप बहुत सोचो विचार करने वाली टीम है, आप बहुत इस पे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन आप ये शो कर रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं थी, आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। पिछले 1.5 साल से आपने 0% तैयारी की हुई थी। आप एक काम के लिए, एक वर्ल्ड कप के लिए आपकी स्कोर तैयार नहीं है, आप कंफ्यूज हैं। आपने सही बात की है कि कंफ्यूजिंग शो कर रहे हैं अपनी। देखिए आप तो वाकई बिल्कुल, ये तो सबूत मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपके तो 6 महीने पहले कप्तान बाबर आजम ही नहीं थे, आप तो शहीन को वर्ल्ड कप पे लेके जा रहे थे ना। उसके बाद चले आपने बाबर आजम को बना दिया, आपने टीम भी डिसाइड कर ली, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप अपने प्लेयरों को क्या मैसेज दे रहे हो कि यार हम आखिरी मोमेंट तक आपको बाहर निकाल सकते हैं। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में 1 हफ्ते से कम टाइम रह गए, 19 टीमों ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एक वही टीम है जिन्होंने कहा था जी जो पहला T20 होगा उसके बाद हम फैसला करके टीम अनाउंस कर देंगे। अब 25 तारीख तक इसको खींचना, अब बातें हो रही जी कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ये कौन सी कैसे ऐसे क्रिकेट बोर्ड चलते हैं, ये कौन सी सिलेक्शन है, कौन सा इसमें से आपने वो अलादीन का चिराग रगड़ना है और कोई ऐसा प्लेयर निकालना है जिसको हम कहेंगे यार ये कहां से टीम में डाल दिया, ये एक वाइल्ड कार्ड थी, इस वजह से इतनी लेट हो रही थी। आप टीम अनाउंस क्यों नहीं कर रहे, कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको आपने चेक कर रहे हैं। फैसल भाई मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आ रही, सख्त बातें करने लगा हूं। ये जो है ना, पहले थी बाबर आजम की दोस्ती आ रही, अब है चेयरमैन साहब की दोस्ती आ रही। इतनी ढील दे दी गई अपने दोस्तों को, अपने यारों को। अब मैं आपको बात सीधी सीधी करने लगा हूँ, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज इनके चैनल में काम करते थे, वहाब रियाज को खुली छूट है, वो जो मर्जी बेरा कर करें सिलेक्शन में, आमिर वापस आए हैं। हर बंदे को यार फैसल भी इतने ब्लंडर कर दिए ना। अब ये मीडिया के बंदे हैं तो मुझे लगता है कि जो मीडिया के एंकर पर्सन है ना, जो वो इनके इनको बहुत पसंद है वो, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये दोस्ती यारी चल रही बड़ी शदीद किस्म की, इनका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज काफी अर्से से सिलेक्टर है, वो जवाब दें, अगर असूलन की अच्छा बोर्ड होना वो जवाब दें कि इतने लेट क्यों कर रहे हो, इतना कंफ्यूजन किस चीज की है। देखिए कंफ्यूजन, देखिए मैं फिर वही बात करूंगा, आपने जो है जो टीम ना अनाउंस करना ये शो करता है कि आपकी तैयारी नहीं थी। पिछले 3-6 माह आप क्या कर रहे थे, जग मार रहे थे, आप कर क्या रहे थे, आपको टीम जो है बना के रखनी थी ना, आपने टीम बनानी थी। अगर आप 1 हफ्ता पहले वर्ल्ड कप से पहले टीम अनाउंस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है आपने पीछे कुछ किया ही नहीं है, आपने अपना काम जो आपने 3 माह में करना था आपने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि देखें आपने 16-14 प्लेयर तो आपके मुकम्मल है ना, एक आधे नहीं ऊपर नीचे होना है ना, वो ये तो वही बात होगी ना, 4 औरतें गई सूट देखने, वो इतने ज्यादा सूट खिलवा दिए उनमें से सिलेक्ट ना हो, ये तो क्या है असल भाई, ये तो बच्चों वाली हरकत है। पांच आपके फास्ट बॉलर हैं जा रहे हैं, जो कि कंफर्म है, हमें पता है कौन से 5 बॉलर जा रहे हैं। आप उसामा मीर को डाल दो, बात खत्म होती है, अगर डालना भी है इतना ही कंफ्यूज हो, इतना कोई 30 मार खान तो प्लेयर कोई है नहीं, किसी को डालने कर दे, जिसको भी डालना डालो तो सही, मगर तो लाओ यार, मैं बस भी गुस्सा आ गया मुझे, ये कोई हरकत है, इतनी बेवस्ती हो रही है। ये समसाए जो है सारे कमेंट करते हैं यार,
कि हमारे हमसाए मुल्क में यार ये क्या कर रहे हैं आपकी टीम, अपनी तरह से ये शो करें कि हम बहुत ही जो है ना वो सोच समझ के टीम अनाउंस करेंगे, हम कोई गलती नहीं होने देंगे। ये नहीं जा रहा, ये पैगाम नहीं जा रहा दुनिया में, दुनिया में ये जा रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, आपकी तैयारी नहीं थी, आपकी टीम ही फाइनलाइज नहीं है, आपका कॉम्बिनेशन ही फाइनलाइज नहीं है। तो ये चीजें नेगेटिव जा रही है, ये पॉजिटिव नहीं जा रहा आपका साइन। फैंस की तो खैर होती है ना, फैंस तो बातें कर लेते हैं, लेकिन टीम के अंदर भी जो नेगेटिविटी फैल रही है ना, अभी जो प्लेयर खेल रहे होंगे कहेंगे यार हमें पे क्या भरोसा ही नहीं है कि आप एक नया प्लेयर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्या हम क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, यानी कि फिर वो पता ही है ना कि वर्ल्ड कप के बाद फिर से चेंजिंग होगी, क्योंकि ये वैसे भाई ये ना देखें बार बार हम एक ही चीज को डिस्कस करते हैं कि स्क्वाड आ रहा है, ये है तब्दीलियां होनी चाहिए, बोर्ड को बेहतर होना चाहिए, बेहतर कुछ नहीं हो रहा है, ये एक वर्ल्ड कप आएगा, वर्ल्ड कप में हम फिर अच्छा हाँ, ये पता नहीं बंदों की मानी जो सिलेक्शन कमेटी बनी थी, सिलेक्शन कमेटी थी उसका चेयरमैन कोई नहीं था, सबका जो ओहदा था वो लेवल का था, वहाब रियाज उसके चेयरमैन नहीं थे, छह बंदों ने मिलकर सिलेक्ट करनी है, छह बंदों से वर्ल्ड कप के लिए 15 डिसाइड नहीं हो रहे पिछले डेढ़ माह से, ये और, देखें और दो कर क्या रहे हैं उनको, आपने सही बात कहा, इनको कौन पूछेगा, इनको कोई पूछने वाला है, कोई इन पे कह लो कि चढ़ाई करने वाला है कि आपका एक काम था, एक महीना पहले आपने टीम देनी थी, आपकी टीम किधर है, कहाँ है आपकी जो है ओपनर सेटल हसन नहीं अली को लेकर गए हैं ये, ठीक है कि रिजर्व प्लेयर है, हसन अली ने आयरलैंड में अपना बेरगर कराया, उस पर कॉन्फिडेंस ही उड़ गया, अब उसको फारग करा दिया, एक नया रिजर्व प्लेयर ढूंढना है, तो भाई अगर आपके ये तो अच्छा डिसीजन हुआ है, वो तो जिस तरह टीम में आए थे, मेरी बात सुन लें आप, मैं ये कह रहा हूँ कि चलें, आपने आपको अगर पता था आप चीफ सिलेक्टर है ना, आपको तो डॉक्टर्स रिपोर्ट करते हैं ना कि हारिस लुक टाइम से फिट हो जाएगा, आपने अगर तभी रिप्लेसमेंट नहीं रखनी थी, नहीं चाहिए थे तो आप कोई अच्छा प्लेयर रिप्लेसमेंट के लिए बुला लेते, आपने हसन अली को क्यों बुलाया, मैं तो आज बाबर आज में घुसता हूँ भाई, आप थोड़ी कहीं और बात ले गए, मैं कह रहा हूँ कि ये इनको तो सारी रिपोर्टें जाती है ना कौन सा प्लेयर कितना फिट है, क्योंकि इन्हें टीम सेलेक्ट करनी होती है बाबर साहब ने, तो इनको नहीं पता था कि ये वक्त से पहले फिट हो जाएंगे। देखिए बाबर आज की लॉटरी लग गई है, मैं सीधी बात करूंगा, रिटायरमेंट रिसेंटली रिटायर हुए ना, इनकी लगी है लॉटरी इसलिए लगी है कि एक चैनल के साथ मुंसलिक हो गए थे, वो चैनल मोहसिन नकवी का था, फिर मोहसिन नकवी की लगी लॉटरी, वो भी सीएम पंजाब बने, फिर उसमें ये इंटरिम गवर्नमेंट में आ गए, ठीक है अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए, उसके बाद मोहसिन नकवी की फिर से लगी लॉटरी, अब वो पीसीबी चेयर बन गए, चेयरमैन बन गए, अब पीसीबी चेयरमैन बनने से उन्होंने अपने दोस्तों यारों को नवाजा है, जिसमें मोहम्मद आमिर भी शामिल है, जिसमें मोहम्मद सॉरी वहाब रियाज भी शामिल है, जिसमें इमाद वसीम भी शामिल है, ये तीनों को नवाजा है, ये एवी टीम में वापस नहीं आए, तो ये लॉटरी लगी है, इनको कोई इनको पता है कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मैं जो करूंगा मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन हम तो एज ए फैन पूछेंगे ना, हम तो ये देख रहे हैं कि यार दुनिया भर की टीम्स अनाउंस हो चुकी है, दुनिया भर का पता है कि यार उन्होंने क्या टीम खिलानी है, हमारा आज तक कॉम्बिनेशन का नहीं पता, हमारा ओपनिंग कौन होगा, हमने तीन फास्ट बॉलर के साथ जाना है, जो बंदे हमारे साथ ट्रैवल करते आ रहे हैं पिछले डेढ़ माह से वो क्यों कर रहे थे, अगर उन्होंने खेलना ही नहीं था तो वो क्यों खेल रहे थे, वो वेस्ट जाके ट्रैवल कर रहे थे, इसके अलावा हमारा जो मिडिल ऑर्डर में हमें पता नहीं है कि हमने किसको खिलाना है, उस्मान खान को खिलाना है कि नहीं खिलाना, हमारी टीम सेटल्ड नहीं है, ये कोई मोइज़ा ही होगा कि वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दे दें, क्योंकि जिस तरीके से आज मैंने देखा ना फुटेज देखी मानी कि साए मयूब पे जितनी मेहनत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ साए मयूब जो बच्चा नहीं परफॉर्म कर रहा उसको आपने इतना अंडर प्रेशर कर दिया है कि वो मजीद भी कुछ नहीं कर सकेगा, बाबर आजम आज खुद उनको ट्रेनिंग करवा रहे, देखिए आपने फुटेज कि खुद वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बड़े खफा थे, वो गलती उनकी सीधी जो गलती सेट करवाने की कोशिश कर रहे थे नेट्स में, वो उनसे नेट में भी सीधी नहीं हो रही थी, वो मैच में क्या करेंगे, तो यहां तक तो पहुंच गए कि साए मयूब को टीम में डालने के लिए बाबर आजम खुद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं खिलाना उसको नहीं खिलाना, जिसको खिलाना है उसको जबरदस्ती खिलाना है, यही तो हो रहा है, यही तो सारे मसले मसाइल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड आएगा कब आएगा, सबको बताया क्या स्क्वाड आना है, बस अनाउंस नहीं कर रहे और ये अपनी पैरों पे खुद गुलारी मार रहे हैं। मुश्किल डिसीजन हो ना, कोई केमिकल कोई तजर्बा करना हो ना, बंदा कहते यार लेट हो रही कोई बात नहीं, एक दिन हो गए तीन हो गए, इतनी आसान आपकी टीम है, एक आधे प्लेयर के लिए आप पता नहीं क्या पर्ची का इंतजार कर रहे हैं, पीछे से फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, देखिए थोड़ी वाकई बातें थोड़ी सख्त है, लेकिन पता नहीं किस चीज का वेट है जिसकी वजह से टीम अनाउंस नहीं हो रही, पूरी दुनिया की टीमें अनाउंस हो गई, 19 टीमें अनाउंस हो गई, सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तान की टीम है जो कि अनाउंस नहीं हो रही, इन्होंने पता नहीं क्या खेलना जा रहा है। अब मैं बात लंबी नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा जाने से पहले, देखिए इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले सीरीज तो रख ली, सीरीज रखने वाले पे भी आफरीन है कि पाकिस्तान सिर्फ एक दिन अमेरिका में गुजारेगा वर्ल्ड कप के बड़े मैच से पहले, शाबाश है, इस स्केड्यूलिंग पे भी 30 को आपकी सीरीज खत्म हो रही है, बस आप मेरे लिए अफलातून बैठे हुए हैं स्क्वाड में, इनका कोई हाल नहीं है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।